करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार बार बार भगवत कथा सुनने से मन पर भक्ति का निशान पड़ जाता है और प्रभु मिल जाते हैं। है? हाँ, जरा दूर रख दीजिए। आज चूंकि बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे बटुक आए हैं विद्यालय से, बहुत ही सुंदर श्लोक का गायन किया, तो आज बटुकों को देखकर, पहले कथा हमें कहीं और से प्रारंभ करनी थी, पर आज आचार्यों को देखकर के हम एक श्लोक के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। अन्नात भवन्ति भूतानि, बड़ा प्यारा श्लोक है। अन्नात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभवः, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। अन्न से ही समस्त प्राणी उत्पन्न हैं। किससे? अन्न से। सारा संसार अन्न से ही उत्पन्न है। और बटुकों से प्रार्थना है, और प्रत्येक जो देश विदेश में कथा को सुनेंगे आपसे प्रार्थना है, जिसका आहार शुद्ध होता है उसका व्यवहार शुद्ध होता है। क्या भैया, आहार जानते हो ना? ज्यादा पिज्जा बर्गर खाओगे पेट गड़बड़ा जाएगा। हाँ, अब वो आगे लगी वो चाउमीन, ये सटके सी ज्यादा सटकाओगे गड़बड़ हो जाएगा। तो अन्न को बड़ी सावधानी पूर्वक पाना चाहिए। देखो, भोजन जीवन है परंतु अन्न ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप है अन्न। और खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। अगर आप केवल खाने के लिए जी रहे हो तो आपसे बड़ा इस संसार में कोई भी बुद्धू नहीं है। क्यों? केवल आप भोजन की व्यवस्था, मकान गाड़ी बढ़िया हो जाए, लुगाई लड़का हो जावे और खूब चकाचक ऐसी जिंदगी निकल जावे, तो तुमसे बड़ा कोई बुद्धू इस संसार में है नहीं। क्यों? बाल बच्चों की चिंता और भोजन की चिंता तो चिड़िया भी कर लेती, कुत्ता भी कर लेता, अजगर भी कर लेता, हाथी भी कर लेता। समाज सेवा करने का दृढ़ संकल्प, भगवान को पाने का संकल्प हो तभी आप मानव कहलाने के पात्र हो। क्या ठाकुर जी को पाने का दृढ़ भाव आपके अंदर जब तक नहीं है तब तक आप मानव नहीं दानव हो। क्या हो? दानव। जो केवल अपने लिए जिए वो है दानव, जो अपने साथ साथ औरों के लिए जिए वो है मानव। तो अन्नात भवन्ति भूतानि, देखो एक बात, यहां महापुरुष विराजमान हैं और आप लोग सपोर्ट करिएगा। अन्न का कण और संत का क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। दानों की कीमत भारत देश में बहुत महान है, और भारत में नहीं पूरी दुनिया में। अन्न का कण और संत का क्षण व्यर्थ मत जाने देना साहब। दोनों अगर आपने व्यर्थ गवाए तो तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ चली जाएगी। आहार शुद्धि, संसार में जीने की पहली कला है आहार। कई लोग हमारे पास आते, महाराज जी हमारा मन नहीं लगता पूजा में, आगे के लगे तो पिज्जा बर्गर दबा के खा दिए, खूब मिर्चा चकाचक खाते हो गए, एकदम लगे प्याज पे प्याज, लहसुन की गांठों पे गांठों खा रहे हो गए, सूप पी रहे हो गए। अरे भाई, ये उल्टा सीधा खाने से डाइजेशन गड़बड़ा जाएगा, बीमारी पकड़ लेगी,
तामसिक प्रवृत्ति हो जाएगी, वासना ज्यादा सताएगी, फिर उपासना बिगड़ जाएगी। तो पहली शुद्धि है आहार शुद्धि। जितने भी आज कथा सुन रहे, आज की कथा तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। जिसने भी अपने आहार पर ध्यान दिया, उसका व्यवहार और उसका परिवार दोनों बदल गए। आपको ध्यान देना ही पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हो और कैसे खा रहे हो। आपको ये समझना ही पड़ेगा कि आप जीने के लिए खा रहे हो या खाने के लिए जी रहे हो। मेरे पागलों, खाना बुरी बात नहीं, खूब खाओ। जिसका जितना खाता वो उतना ही खाता। एक सज्जन हमको मिले, बोले महाराज जी हमारे पिताजी तो बहुत खाते। हमने कहा उनके होंगे प्रभु के पास बड़े खाते, इसलिए बहुत खाते। भाई जिसका जितना खाता उतना ही तो खाता। अब हमारे जैसे भाई साहब दो रोटी में टन हो जाए, अपनों तो वह खुलो ऐसे ही जीरो बैलेंस वालों। अब कई जने की दो रोटी तो चलत फिरत गली में खप जाए, दो रोटी तो उनकी एक डांड में समावे। बोलो सीताराम। तो मेरे पागलो, जीवन में अन्न की बहुत और अन्न की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। माताओं से प्रार्थना है, गृहस्थी में जब आप भोजन बनावे बहुत पवित्रता का ध्यान रखें। पहले के जमाने में माताएं भोजन बनाती थी, हमने अपनी माँ को आज भी आंखों से देखा, आज भी हमारी माँ की आदत है, हमारी माँ को हमने अपनी आंखों से देखा। पहली रोटी जो बनती थी वो गाय को खिलाई जाती थी, गौ माता को। पहली रोटी गाय माता को और अंतिम रोटी कुत्ता को। किसको? हाँ, पहली रोटी गाय माता को और पहली थाली जो घर में लगती थी वो हमारे घर के श्री हनुमान जी महाराज की सेवा के लिए लगती थी। उसी थाली का प्रसाद उठाकर सबकी थाली में बांट दिया जाता है, तो फिर वो भोजन नहीं होता है, फिर वो भगवान का प्रसाद बन जाता है। कुछ बड़ा काम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से पूजा पाठ करनी। बहुत सूक्ष्म चर्चा है। आपका भोजन बताता है कि आप कितने टाइम तक जिएंगे। ज्यादा अट्ट सट्ट खाओगे जल्दी टबक जाओगे, हाँ शुगर हो जाएगी, न जाने काका मोटापा फैट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। और आजकल सबसे ज्यादा आदमी हैरान है मोटापा से। दिन भर सोना है और दबा के खाना है और पैसा के लिए रोना है, इसलिए तो मोटा होना है, है? क्यों? आहार शुद्धि अगर आपकी होगी तो व्यवहार शुद्धि होगी। इसलिए हमारी करबद्ध प्रार्थना सात्विक शुद्ध हो सके तो बिना लहसुन प्याज का, और घर के श्री ठाकुर जी को प्रसाद लगा करके ही भोजन पाना चाहिए।